मेरी जान ले लो, आपने जो ये मूवी बनाई है ना, हमें कुछ भी करने के लिए। अक्षय कुमार जिंदाबाद, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, अक्षय कुमार जिंदाबाद, अक्षय कुमार जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी हुई फिल्म देखने, और आप देख सकते हैं लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इसी से पता चलता है कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। डिलाइट सिनेमा में हम आए हैं, तो इस फिल्म को पहले देखते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये फिल्म कैसी है। सत्य वचन में श्री की श्रेष्ठ गर्जना सिंह की भारी। कैसी लगी आपको? बहुत ही औसम मूवी है। अक्षय कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्टिंग किया उन्होंने, सुपर एक्टिंग, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग किया। केजरीवाल को इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए दिल्ली में। मैम हेड्स ऑफ, कोई कह नहीं सकता, डेबी मूवी है और अक्षय सर स्टैंडिंग ओवेशन। वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन दिस, जितनी आज तक जितनी मूवी बनी है ना इस साल में 2022 में, सबसे बढ़िया मूवी है। हिंदुत्व के लिए कितना वर्क कर पाए डायरेक्टर, हिंदू को देखना जरूरी है। जो देखेगा ना वो खुद ही बोलेगा मैम, बेटर देन कश्मीर फाइल्स मैम, 100 टाइम्स बेटर। इट इज अ मील का पत्थर, और अक्षय कुमार ये जो मूवी है ना, आप एक ब्लिंक भी हटा नहीं सकते और आपको पता नहीं लगेगा मूवी खत्म कब होगी। क्लासिक, टोटली गूज बम्स। चंद्र प्रकाश सर का एफर्ट ज्यादा अच्छा लगा आपको? मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में सबका पत्ता साफ कर देंगे। प्ले और ऐसी मूवी कभी, यशराज फिल्म्स का इतना थैंक यू, और अक्षय कुमार एक सच्ची स्टार का, सच्चे पृथ्वीराज चौहान। जान ले लो, आपने जो ये मूवी बनाई है ना, हमें कुछ भी करने के लिए। अक्षय कुमार जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। एक मिनट, मूवी में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, पॉजिटिविटी, हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए, मिट्टी के लिए मर मिटना, नारी के सम्मान से संबंधित, बड़ों के लिए, बहुत सारी चीजें सीखी। मैम दिखाते नहीं है बॉलीवुड में ना, किताबें बताते हैं। आज तक ऐसी मूवी ऐसी नहीं बनती। क्या लगता है ये जो ये जो ये जो खानों का परचम जो लहराते रहते मैम, होगा मैम, अब शुरुआत हो गई है मैम। हिंदू राजाओं के बारे में नहीं बताया जाता था, बुक्स में खाली मुगल राज्य के बारे में बता दिया। महाराणा प्रताप जी के लिए भी एक महान मूवी बननी चाहिए मैम। बिल्कुल मैम बनेगी, मैम बनेगी। अक्षय कुमार को क्या चाहेंगे आप? डायरेक्टर सेम रहे, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार अक्षय कुमार से अपील करना चाहूंगा, आप महाराणा प्रताप शिवाजी चौहान पे मूवी, शिवाजी अक्षय कुमार, हमें वीडियो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम। अच्छा, एक एक यही बोलना चाहेंगे, जैसे कि अभी तक मुगलों का गुणगान होता रहता था, अब हिंदू इर्दर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जैसे ये मूवी बनी है, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला और हमारे युवाओं को बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसे ही आने वाले समय में दूसरे हिंदू राजा महाराजा जो थे उनके बारे में बॉलीवुड में मूवी बनती रहनी चाहिए, क्योंकि एक देखा गया हमने, जब से हमारे देश तो आज़ाद हो गया लेकिन महिमा मंडल मुगलों का होता रहा है, लेकिन जो अब बदलाव आया, अब हमारे समाज में देश में ऐसा बदलाव आया जो असली सच्चाई थी वही हमें दिखाई जा रही है, तो इसलिए हमारा इतिहास जो असली भारत का इतिहास था वो हमें इस फिल्म से देखने को मिला है। बच्चों को लेकर आना चाहिए, जैसे आप लोग ये मूवी इस मूवी को दिखाने के लिए बच्चों को लेकर आए, क्योंकि अगर हमारी यूथ जनरेशन को पता नहीं लगेगा पृथ्वीराज चौहान जैसे महान सम्राट के बारे में, तो हम अनवेयर रहेंगे इन सब चीजों के, मुगलों के छल के बारे में सबसे बड़ी बात है। हर एक
हर एक हिंदुस्तानी और हर एक हिंदू को देखनी चाहिए मूवी। हिंदू राजा महाराजा जो थे सीने पे वार करते थे और सामने से लड़ाई करते थे, लेकिन जो मुगल थे वो पीठ पीछे वार करते थे, वो सारी सच्चाई इस फिल्म में हमने देखी है और दिखाया गया। मोदी सरकार ने सारी जगह टैक्स फ्री करना चाहिए इस मूवी को, और जैसा कि अपोजिशन है हमने देख, हमने दिल्ली में भी टैक्स फ्री करना चाहिए, इस मूवी पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो देखा जा रहा है इस मूवी पे, बीजेपी स्टेट में टैक्स फ्री हो रही है, लेकिन दूसरे जो कांग्रेस आप है उन सब में भी टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वीराज थे वो पूरे देश के ही राजा थे और वो सबके लिए बराबर थे, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए इस फिल्म के ऊपर। हम चाहेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया दिल्ली टू कश्मीर कन्याकुमारी हर स्टेट में टैक्स फ्री होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भारी भरकम में देखे और इसे हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनाए, और ये डिजर्व करती है मूवी 100। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है हम सभी को देखनी चाहिए, किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो आप लोग, बिल्कुल। जय महाकाल, जय भवानी। दोस्तों आपने देख ही लिया, अब कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है कि मूवी क्या थी। ये हमारे देश की जान, हमारे देश के महान सम्राटों, उनके रुतबे, उनके सम्मान के लिए लड़े गए युद्ध और मुगलों की बेईमानी को दर्शाती हुई फिल्म है। एक एक हिंदुस्तान को गूजबम्स दे देगी, जज्बा जगा देगी कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, ये कोई ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है, ये शौर्य की प्रतीक है। इस मिट्टी से हमें जो कुछ मिला है, हम शायद अपने बच्चों को 1% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आज भी इतिहास के पन्ने धूमिल कर दिए गए। 70 सालों से हमें जो चीज़ें दिखाई गई है वो सिर्फ हमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, इस मूवी को देखिए, और डायरेक्टर को एक बार फिर मैं सैल्यूट करना चाहूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम।